उचाना के काबरचा गांव में सरपंच की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश में हुई इस वारदात ने आज पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया। 32 साल के मनीष सुबह अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। कार्यालय में वे गांव के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। मनीष इस बात को जानते नहीं थे कि कुछ ही देर में उनके शरीर को गोलियों से भून दिया जाएगा। कुछ ही देर में दो युवक उनके कार्यालय में घुस गए और आते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कोई कुछ समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। फायरिंग के दौरान एक गोली मनीष के सिर में और चार गोलियां उनके शरीर के कई हिस्सों में लगी। 8 बजे ऑफिस खोला उसने अपने मकान में, ये सरपति का अलग। वो खाना खा के निकले, अपने चाचा जी के साथ बात कर रहे थे। वहीं पे आए एक लड़का, ये फैमिली से, ये चाचा का लड़का, और एक है गाँव का, मतलब दूसरे ठोड़े का। उन दोनों ने आके कान पे बंदूक लगाई और उसे बोले बोल अब तू। दोनों उसको बंदूक से फरार करने लगे। फिर वो एक लगने से वो भाग गया, उसको दिखना बंद हो गया, इधर उधर डोला। तो फिर पीछे से भी बैक से भी वो गोली चलाए हैं और फिर वो गिरने के बाद उसकी मुंडी पकड़ के भी गोली मारी, उसको 5 गोली लगी अभी। गोली कान में मारी? हाँ, इधर से फायरिंग हुई है उसको। किसलिए मारी गई, कारण क्या? कोई कारण नहीं है, बच्चों का थोड़ा गुना कुछ मुठ कदे हुआ होगा 10-15 साल पहले, ऐसा कुछ नहीं था। गोली मारने वाले जो थे वो कौन लोग थे? वो फैमिली का है, एक लड़का एक है गाँव का ही। क्या लगते है वो इनके मनीष के? भाईचारा ही है। गोली लगने से मनीष की मौत हो गई और गांव में मातम पसर गया। लेकिन मनीष को इंसाफ दिलाने के लिए ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। मनीष के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। 500 मतों से जीते मृतक सरपंच मनीष के लिए आज सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि दिन दहाड़े गाँव के सरपंच की गोली मारकर गाँव के ही युवकों ने हत्या कर दी। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक जाम किसी सूरत में नहीं खोलेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि पूरी प्लानिंग के तहत सरपंच की हत्या युवकों द्वारा की गई। उसकी घर आए के घर बैठा था, हम तो सवेरे अपने परिवार के साथ गांव के साथ बातचीत कर रहा था। घर आए के ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसकी हत्या कर दी। इवन बताओ इतनी तानाशाही हो रही है, ये फरार है हमें, ये गाँव वालों की मांग है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे जब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। जाम लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल के साथ डीएसपी संदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन मनीष की हत्या से गुस्साए ग्रामीण प्रशासन की बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला। आपकी इज्जत है तो कोई बात ही नहीं, हम नाटक को ना है, इज्जत है शर्माते है आप लोगों की, लेकिन हम काम कर रहे हैं, आप समझो हमारी बात। कार्रवाई जो एक पकड़ा गया बहन जी, आप यह बताओ, जो भी तो महकमा ने खड़ा होगा, जब तो पकड़ा गया होगा, टीम चारों के नेतारी, आप समझो हमारी बात। आपने लिखा है गुरु नाम लिखा है ना आपने, आप ठीक है ना? हाँ, वो आपने लिखा रखा है और जो और से हो रहा खातर भी टीम जा रही, चंडीगढ़ भी जा रहे, कैथल भी जा रहे। ये सारी बात आप आड़े कवा दोगे, मीडिया में आग लेन और लुकने का टाइम मिल जाएगा। अब पुलिस कित कित जा रही है, कित के करने लाग रही है, ठीक से पूरा काम में कैमरे लाग रहे, सारे रोड में कैमरे लाग रहे, मतलब सवेरे कांड होया था, देख लो 5 बजे का टाइम है, चीज देख के तो जा रहे हो, इतना भाई इंसाफ से करेंगे, कोई बात नहीं, खाने लग रही टीम जा रही है। जाम लगने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। एक तरफ सड़क पर लंबा जाम तो दूसरी तरफ गुस्साए ग्रामीण और तीसरी ओर फरार चल रहे मनीष के हत्यारे। उचाना पुलिस के लिए बिगड़ते हालात को संभालना काफी मुश्किल होता जा रहा है। मनीष के कातिल फरार हैं और पुलिस के ऊपर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का दबाव। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पुलिस कब तक मनीष के कातिलों को जेल भिजवा पाती है। उचाना से प्रदीप शोकंत, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।